कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा परेशानी दिहाड़ी मजदूर झेल रहे हैं। इस संकट के दौर में दो वक्त की रोटी के लिए परेशान हो रहे हैं। वे हर रोज़ इस आस में शहर आते हैं कि कहीं आज उन्हें काम मिलेगा, लेकिन कोरोना के दंश ने उद्योग के साथ ही निर्माण कार्यों को भी खासा प्रभावित किया है, जिसके चलते उन्हें काम नहीं मिल पा रहा और मायूस होकर घर लौट रहे हैं। भिलाई के मरोदा में वर्षों से रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में दूर दूर से मजदूर आते हैं। अनलॉक होते ही एक बार फिर मजदूर मरोदा पहुंचने लगे हैं, लेकिन इस बार उनकी संख्या पहले जैसी नहीं है। काम नहीं मिल रहा था भैया, हम लोग बहुत परेशान थे, काम एकदम नहीं मिल रहा था। इस बार तो कुछ सुविधा नहीं हुई मजदूर लोग के लिए, ऐसा कुछ मतलब व्यवस्था नहीं की गई। हम लोग जैसे तैसे चलाए, ले देके उधारी उधारी लेके किराना सामान इधर उधर करके लिए है, बस वैसी चला है समझ लीजिए। दिहाड़ी मजदूरों के लिए कोरोना आफत बनकर आया है। कई मजदूरों को तो दिन भर काम ही नहीं मिलता, ऐसे में उन्हें मायूस होकर शाम को खाली हाथ ही घर लौटना पड़ रहा है। कोई काम धंधा नहीं, कोई पैसा कौड़ी नहीं, कुछ नहीं है, बस एकदम फालतू साफ हो गए हमन तो मरोदा वाले में। डेली अपना कमा खात रहना, अब जब से लॉकडाउन चालू हुए है 2 साल से पूरा आदमी मजदूर लोग तो पूरा मतलब बेफालतू हो गया। कई दिहाड़ी मजदूरों को खाने पीने के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर दिहाड़ी मजदूर रोज कमाने खाने वाले होते हैं, ऐसे में एक दिन भी काम बंद होना उनके लिए जीने मरने जैसा हो जाता है। क्या गुजारा किया, कुछ खाने पीने का नहीं था, जैसे तैसे ले दे के चलाए हैं अपना घर। अभी खुला है तो ठीक है, अभी थोड़ा बहुत चल रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक दुर्ग जिले में 82,271 निर्माणिक श्रमिक हैं, वहीं 212,837 असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं। इन सब के अलावा 4,048 प्रवासी श्रमिक हैं। करीब 3 लाख श्रमिकों वाले शहर में अचानक अगर काम धंधे बंद हो जाएं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हालात होंगे। बहरहाल कोरोना संक्रमण कम हुआ है और लॉकडाउन भी धीरे धीरे खुलने लगा है, ऐसे में श्रमिक एक बार फिर जिंदगी पटरी पर लौटने की उम्मीद जता रहे हैं। राजेश निषाद, ETV भारत, दुर्ग।